साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तेरे मन में बुरे ख्याल चल रहे हैं। तो ऐसा जानता है क्यों होता है मेरे बच्चे? जब तुम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो ना, किसी चिंता में डूबे रहते हो, तो वो बार बार तुम्हारी चिंता बुरे ख्यालों में परिवर्तित हो जाती है मेरे बच्चे। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे ख्याल है मेरे बच्चे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। और तुम्हारा साईं तो है ना तुम्हारे साथ, मैं ऐसा कुछ होने दूंगा नहीं मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दो, सोचना बंद करो। तभी तो तुमसे कहता हूँ ना कि जितना ज़्यादा सोचोगे उतना परेशान रहोगे मेरे बच्चे, तभी तो बुरे ख्याल आते हैं। सोचना बंद करो, गलत चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचा करो। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो ना मेरे बच्चे, उससे तुम्हारे मन में बुरे ख्याल नहीं आएंगे और आने वाला कल भी अच्छा ही होगा मेरे बच्चे। तुम जिस चिंता में हो वो भी जल्द हल हो जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों की परीक्षाएं आने वाली है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तो उन्हें पढ़ाना अभी से शुरू कर दो मेरे बच्चे। थोड़ा थोड़ा समय अपने बच्चों को लेकर बैठा करो। किसी भी शिक्षिका पे या शिक्षक पे मेरे बच्चे निर्भर मत रहो कि कोई तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने ऐसा कर रखा है, लेकिन मेरे बच्चे इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने कामों में व्यस्त रहोगे और बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे। तुम्हें भी तो अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। तुम जानते हो, बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षक, सबसे पहला शिक्षक उसकी माँ होती है, और माँ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तुम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते मेरे बच्चे, नहीं, अपने बच्चों पर खुद ध्यान दो। तुम चाहते तो हो कि तुम्हारे बच्चे आगे बढ़कर कुछ अच्छा नाम रोशन करें, कुछ अच्छा करें, किसी अच्छे पद पर जाएं, अच्छी नौकरी मिले, अच्छे स्थान पर जाएं। तो उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें ही मेहनत करनी होगी, अपने बच्चों के साथ तुम्हें खुद लगना होगा, खुद से काम करवाना होगा। और सुनो मेरे बच्चे, यूँ अकेले में रात को क्यों रोते हो मेरे बच्चे? रोते रहते हो मुझे साथ में लेकर? क्यों मेरे बच्चे मुझे अपनी गोद में बिठाते हो और रोते रहते हो? ऐसा क्यों मेरे बच्चे, क्यों रोते हो तुम? जब तुम्हारे साई ने कह दिया ना, जो तुम्हारी समस्या है मैं उसका निवारण बहुत जल्द कर दूंगा, और मैंने तुमसे कई बार ही कहा है, कई बार संदेशों में कहा है, कई बार संकेत दिए हैं, बार बार समझाता भी हूँ कि डरा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो तुम? मत करो ना चिंता, और रोना बंद किया करो, रोया मत करो। रोज़ रोते हो मेरे आगे, रोज़ रोते हो। रोने से अच्छा है कि तुम मेरे 11 वचन पढ़ो, मेरा जाप करो, फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। जाप करो मेरे बच्चे, अगर तुम जाप करोगे तो वो अच्छा रहेगा ना मेरे बच्चे, इससे तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी मेरे बच्चे, और सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जिस नाराज़गी को तुम गुस्सा समझकर बैठ गए हो ना, और इस वजह से तुम बहुत लड़ते हो, तो नाराज़गी और गुस्से में फ़र्क होता है मेरे बच्चे, ये फ़र्क तुम्हें समझना होगा। अगर कोई तुमसे नाराज़ है तो वो इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता या तुमसे नफ़रत करता है, वो नाराज़ है क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है, तुमसे प्यार करता है, और तुम्हारी कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आई। तो मेरे बच्चे उसे समझने की कोशिश करो ना, अगर वो तुमसे नाराज़ है, बल्कि तुम क्या करते हो, गुस्सा करते हो, और तुम्हें ये लगता है कि वो भी तुमसे बहुत गुस्सा है, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं, कोई प्यार नहीं तुमसे, यही लगता है ना, और इस वजह से तुम भी गुस्सा कर जाते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है मेरे बच्चे, तुम्हें सामने वाले की भावनाओं को समझना होगा मेरे बच्चे। अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तुम जानते हो, दो लोगों के बीच में जो संबंध है ना, जो रिश्ता है, उसकी गहराइयों को सिर्फ वो दो लोग ही जान सकते हैं। तुम अगर बाहर वालों से सलाह लोगे, मशवरा करोगे ना, तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, वो अपनी अपनी सोच के अनुसार ही तुम्हें बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी गहराइयों को सिर्फ और सिर्फ तुम ही जान सकते हो, कोई और नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे रिश्ते में कहाँ कड़वाहट है, कहाँ मिठास है, उन सब के बारे में सोचो और दिल से फैसला लो, अपने मन से लो और खुद से लो, सबसे बड़ी बात। और जो फैसला तुम्हारे दिल से और तुम्हारे मन से होगा ना, वही फैसला मेरा होगा, ये याद रखना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर की घड़ी रुक गई है ना, उसे चालू करो, उसमें सेल डालो मेरे बच्चे, जो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुम जानते हो, घर की घड़ी का बंद रहना सही नहीं होता मेरे बच्चे, बिल्कुल सही नहीं होता। तुम्हारे कितनी बार नज़र गई है उस घड़ी पर,
लेकिन तुम नज़रअंदाज कर देते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलत बात है मेरे बच्चे। घर की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया करो मेरे बच्चे, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। घर की तरफ तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत भार है काम का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम घर बार छोड़ दोगे, घर पर नज़रअंदाज करोगे। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें परवाह करनी होगी घर वालों की भी और घर की भी मेरे बच्चे। और सुनो, रोज़ मंदिर जाना शुरू करो। तुम जानते हो ना, सावन के सोमवार चल रहे हैं। तुम जितना महादेव की सेवा कर सकते हो, करना चाहते हो, करो। तुम देखना, सावन ख़त्म होते होते महादेव तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर ना तुम्हें मनचाहा फल देंगे मेरे बच्चे। तुम जो भी इच्छा चाहोगे ना, जो भी इच्छा मांगोगे वो तुम्हें देंगे मेरे बच्चे। ये सावन के महीने बहुत पवित्र महीने हैं मेरे बच्चे। इसमें जो महादेव की सेवा करता है ना, वो मनचाहा फल पाता है मेरे बच्चे। अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो ना, तो रोज़ सुबह शाम या दिन में एक ही बार सही मेरे बच्चे, रोज़ जाओ महादेव की सेवा करो, उनके आगे दीपक जलाओ, उनकी पूजा आराधना करो, जाप करो मेरे बच्चे। ये दिन बहुत अच्छे दिन है मेरे बच्चे, बहुत पवित्र दिन है, तो जाया करो मेरे बच्चे, जाया करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो काम के लिए, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी है या तुम में कोई कमी है। नहीं मेरे बच्चे, अपने आप को दोष मत दो, ये वक्त की कमी है मेरे बच्चे। वक्त है, वक्त के हिसाब से सब चीज़ें होती हैं। जब सही वक्त आएगा ना, तो सब हो जाएगा। लेकिन अपनी मेहनत को जारी रखना मेरे बच्चे, अपनी मेहनत करना कभी मत छोड़ना, और जो चीज़ कर रहे हो उसी में करते चलो, वो मत छोड़ना मेरे बच्चे, वो करते चलो। तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगी। जब सही वक्त आएगा ना, तो अपने आप समय का पहिया घूम जाएगा और वो तुम्हारी तरफ हो जाएगा मेरे बच्चे, रुख तुम्हारी तरफ बदल जाएगा। तुम देखो तो सही, अपनी साईं की लीला देखो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, निर्णय लेना चाहते हो ना तो लो, लेकिन कभी भी निर्णय मेरे बच्चे या कोई फैसला क्रोध अवस्था में आके कभी मत लेना मेरे बच्चे। जब भी तुम गुस्से में हो, नाराज़ हो, तो मेरे बच्चे कभी भी कोई फैसला मत लेना, या ज़्यादा कभी खुश हो तब कोई फैसला मत लेना, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है मेरे बच्चे। जो बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं, जो ज़्यादा गुस्सा होते हैं ना, वो अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं, और यही चलकर आगे चलकर उनके लिए नुकसानदायक बनता है। जब भी कोई फैसला लेना हो तो शांति से, सुकून से लो, 2-3 दिन का समय लो, और उसके बाद मेरे बच्चे फैसला लो, सोचो, समझो, उसके बारे में परखो, उसके बारे में जानो, फिर फैसले पर जाओ। अगर ऐसे करने लगोगे तो तुम्हें ही परेशानी होगी आगे चलकर, ऐसा मत किया करो। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बाज़ार में प्रतियोगिता बहुत है मेरे बच्चे, और इस कारण तुम्हारा कारोबार थोड़ा धीमा हो गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम जैसे मेरी पूजा अर्चना करते हो ना, बस वैसे ही करते चलो, सब ठीक हो जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारे दुकान पर बहुत बरकत होगी, बहुत बरकत, मेरी कृपा रहेगी मेरे बच्चे। और एक काम करना, किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाया करो, जो भी तुमसे मदद हो पाए तुम वो किया करो। देखो तुम्हारे घर में और तुम्हारे दुकान में, तुम्हारे कारोबार में कैसे बरकत होगी मेरे बच्चे, तुम देखो। इतना दूंगा ना कि संभाल नहीं पाओगे तुम, चाहे कितना भी प्रतियोगिता का दौर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी दुकान कभी खाली नहीं रहेगी मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ तुम्हारी साईं की लीला। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।